दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हैं, तुम्हारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया के नियमित कप्तान रोहित शर्मा का गुस्सा देखने लायक है। जी हां, जो रूट और जॉनी बेयरस्टो ने भारतीय गेंदबाजी की बकिया उधेड़ते हुए इंग्लैंड को एक तरफा अंदाज में जीत दिला दी, जिस पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली से लेकर जसप्रीत बुमराह तक अपना गुस्सा निकालते हुए बेहद ही सनसनीखेज बयान दिया। जी हां, क्या कहा रोहित शर्मा ने इन दोनों ही खिलाड़ियों को लेकर, उसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है महान खिलाड़ी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने चौथे दिन का मुकाबला शुरू होने से ठीक पहले अपने बयान में ये कहा था कि भारत जो मर्जी टारगेट दे दे, हम उसे अचीव कर लेंगे, और इस खिलाड़ी ने जो कहा था उसे करके भी दिखाया। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 378 रनों का विशालकाय लक्ष्य दिया था, जिसके बाद सबने यही उम्मीद की थी कि ये मुकाबला भारतीय टीम जीतेगी या फिर ड्रॉ होगा। लेकिन इंग्लिश खिलाड़ी कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। पहले ओपनिंग करते हुए एलेक्स लीस और जैक क्राउली ने ताबड़तोड़ अंदाज में शतकीय साझेदारी करके इंग्लैंड की जीत की नींव रखी, और वहीं उसके बाद जॉनी बेयरस्टो और जो रूट ने भारतीय गेंदबाजों के सामने पर खच्चे उड़ाकर रख दिए, और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 109 रन से इंग्लैंड का और कोई विकेट गिरने ही नहीं दिया। और आखिरकार आपको बता दें कि पहले ही सेशन में, यानी कि पांचवें दिन के पहले सेशन में, दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड को 7 विकेट से एक शानदार जीत दिला दी, जिसमें जो रूट और जॉनी बेयरस्टो ने शतक लगाकर सनसनी मचा दी। वहीं भारतीय टीम के इस शर्मनाक हरकत और हार के बाद नियमित कप्तान रोहित शर्मा बहुत ही क्रोधित हैं। उन्होंने कप्तान जसप्रीत बुमराह को लेकर विराट कोहली पर भी अपनी भड़ास निकाली। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा ने अपना बयान देते हुए कहा है कि ये विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, हमें लग रहा था कि ये मुकाबला हम बहुत ही आसानी से जीत पाएंगे, लेकिन इसकी क्रेडिट इंग्लैंड के बल्लेबाजों को देना होगा, खास करके जो रूट और जॉनी बेयरस्टो को। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, और चौथे और पांचवें दिन पिच भी बल्लेबाजी करने के लिए आसान हो गई थी, जिसका फायदा इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उठाया। हालांकि यहां पर जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली से मुझे थोड़ी ज्यादा उम्मीद थी। इन दोनों खिलाड़ियों को बाकी खिलाड़ियों को प्रेरित करना चाहिए था, जब आपको विकेट नहीं मिल रहा हो तो उस समय आप संयम बनाकर रखिए और गेंदबाजी में थोड़ा ज्यादा प्रयास करना शुरू कर दीजिए। और वहां पर कोहली और जसप्रीत का रोल काफी अहम था, जो दोनों ने अच्छे से नहीं निभाया। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह से लेकर विराट कोहली तक अपनी भड़ास निकालने पर जिस तरीके से रोहित शर्मा ने अपने बयान में इन दोनों खिलाड़ियों को ये कहा है कि उन्हें अपनी भूमिका समझनी चाहिए थी, उससे ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय टीम ने इस मुकाबले में रोहित शर्मा को कितना ज्यादा मिस किया, और खुद रोहित शर्मा भी अफसोस जताते हुए नजर आए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम किस वजह से हारी है, किसके कारण हारी है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।